हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की जो व्लॉग की शुरुआत है उसी वाले से हमने कंटिन्यू कर दिया जिस दिन मैं क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की थी। तो आज हम बना रहे हैं कद्दू की पाव भाजी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि मैं कद्दू से जो है पाव भाजी मैक्सिमम टाइम बनाती हूँ। तो बस इसके लिए हम कुछ ये कद्दू उसे काट लीजिए, कुछ पोटैटोस काट लीजिए और सब्जियाँ भी आप ऐड कर सकते हैं चाहें तो, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और भी गाजर इत्यादि। और यहाँ पर मैंने खुद ही जो है अभी होममेड पनीर बना लिया है। कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल, इसमें अभी हम ऐड कर देंगे 7-8 टमाटर मीडियम साइज़ के हैं और बस इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और चला देंगे। और जब ये लगभग 60-70% कुक हो जाएं तो बस इस तरह से हो जाएं तब भी चलेगा, 50% होगा तब भी चलेगा। तो बस इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंड हमने कर लिया है और सेम ही कढ़ाई के अंदर मैं इसको वापस से डाल दूँगी। और कढ़ाई के अंदर जो चिपका हुआ था सबका सब मैंने उसको अच्छी तरह से निकाल लिया है। और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया भगवान के स्वाद अनुसार नमक। तो मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ ठाकुर जी के लिए। हल्दी ऐड करी है और साथ में ऐड करा है ये है हमारा पाव भाजी का मसाला। आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं और अगर नहीं बना पाते हैं तो आप इसमें जो धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर है वो ऐड कर दीजिए, बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो 20-25 मिनट पकाने के बाद जो है आप देखेंगे कि वो ठीक हो गया। अभी ये पकी नहीं है, बस आप इसको आराम से बिल्कुल कम पे 20-25 मिनट पका लीजिए। अभी तो मैं इसको मिक्स ही कर रही हूँ। तो बस अभी तो सर्दियाँ आने वाली है तो और सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राधिका जो है यहाँ पे स्कूल से वापस आ गई थी तो वो अपना जो ड्रॉअर खुद क्लीन कर रही है और इस तरह से बस वो अभी मतलब निकाल रही है और फिर फोल्ड लगाएगी। और मैंने कहा था जो लगता है ना जैसे आते नहीं कपड़े, उनको अभी हम अलग कर लेंगे और मैं इसको डिक्लटर करके दे दूँगी और फिर जो रखने हैं वो अपने हिसाब से रख लेगी। शुरू में बच्चे थोड़ा वैसे भी वो इतने अच्छे से नहीं रख पाती है, लेकिन मेरे पास समय की काफ़ी ज़्यादा कमी है तो मैंने उसको बोला कि आप एटलीस्ट रख दो, फिर जब देखूँगी जब अलमारी करूँगी तो मैं उसको ठीक कर दूँगी। तो बस यहाँ पे टमाटोज जो है वो पक रहे थे, मतलब सॉरी सब्जी पक गई थी और ये मैंने साइड बाय साइड जो है मटर हल्के से फ्राई किए थे। तो क्योंकि मटर मैं शुरू में फ्राई करना भूल गई थी, टमाटर से पहले डालती हूँ तो मैं भूल गई थी। तो बस टमाटर को अच्छी तरह से हमने जो है एक बार ही चला दिया है और इसमें पनीर भी मैंने ऐड कर दिया है कि सेवाएँ करते करते ना मैं भूल गई कि मुझे शूट भी करना है जब मुझे उसमें पनीर ऐड करना है। तो और साइड बाय साइड अभी मैंने लगा दिया है आटा ठाकुर जी के लिए। तो पाव भाजी की सब्जी है आज, लेकिन मैंने पाव भी मेरे पास है तो वो भी दिखाऊँगी। और ये एक मैंने आपको शायद पता नहीं रेसिपी शेयर नहीं करी है, ये मैंने राइस के बनी हुई बैम्बिनो होती हैं, साउथ में बनती हैं, मैंने हमारे एक डिवोटी फैमिली से सीखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाव भाजी, ये साथ में मलाई है और भगवान के लिए जो है रोटी और ये वर्मसिली जो राइस वाली, आज पाव भी हैं तो पाव भी ठाकुर जी को भोग लगाए हैं और आप सब कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। और बस कभी कभी जो है हम इस प्रकार से जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कद्दू जो है उसका यूज़ मुझे तो बेस्ट पाव भाजी में ही लगता है। और चलिए अभी इस व्लॉग को आप आगे देखिए। तो दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, आप सभी के साथ शेयर करें। और आज बनाई मैंने पाव भाजी और चपाती और ये वाला पुलाव दिखाया था ना आपको, ये वाला। अगर आप इसको पहले देख लेती हूँ कैसा बना है और अगर अच्छा बना होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने भी ये एक डिवोटी से सीखा है और अच्छा बना होगा। और अगर आप बताना आपको भी सीखना है तो मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए बस यही तक ही था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी मुझे भी बहुत तेज भूख लगी क्योंकि मैं भी बहुत देर से सेवा कर रही हूँ, पीछे के बर्तन अभी भी स्टिल रह गए हैं तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। और सबने प्रसाद पा लिया तो अभी मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और पाव भाजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आप भी ट्राई करना ठाकुर जी के लिए।
और ये जो रेसिपी है उसे नेक्स्ट डे की है, बट मैंने छोटी सी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली है। ओट्स लिए हैं, उसमें मैंने ऐड कर दिया है दही, और इसको हम लगभग आधा घंटा ऐसे ही भिगो के छोड़ देंगे। वैसे तो ओट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती है, लेकिन मैंने जस्ट ये फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो इसको बस हल्का सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये सोख हो जाए। छोटा गिलास है तो आधा गिलास ही डाला है मैंने, और बस इस तरह से उसको रख के मैं अभी छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको वॉइस आई गई, मैं सभी ब्लॉग में बता रही हूँ, पीछे से थोड़ा सा आजकल कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम बनाएंगे चीला। तो ये जो है ये बैटर इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और ठाकुर जी के स्वाद अनुसार नमक। और ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ठीक थी, ट्राई कर सकते हैं, और जिनको ओट्स पसंद है उनके लिए ठीक है ये। और ये एक बिल्कुल सिंपल सा जो चीला एकदम तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने बनाई थी ये किनोवा की खिचड़ी, साथ में था एक बिल्कुल सिंपल सी एक घी की सब्ज़ी। घी और तोरी मिक्स करके बनाया था ये चीला है। ये ऊपर से क्रिस्प था लेकिन अंदर से सॉफ्ट था, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये लगभग शाम उसी की शाम का समय है, उस दिन मतलब जिस दिन क्लीनिंग शुरू की थी, तो उस दिन मैंने इवनिंग में जो है ये क्लीनिंग की थी, तो उस दिन मैंने ज़्यादा क्लीनिंग कर ली एक्चुअल में। तो बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो ये बुक्स एंड ऑल सब की सब चीज़ें जो है इस तरह से रखी हुई हैं। और बस यहाँ पे भी राधिका की बुक्स पड़ी हैं, आपको दिखाया था, वहाँ भी बुक्स मैंने सेट कर दी हैं उस कमरे में राधिका के टेबल पे। तो नीचे का जो ये ड्रॉअर, जो मेरे टेबल का ड्रॉअर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, क्योंकि मैं नीचे कुछ ज़्यादा कुछ रखती नहीं, और राधिका जो है अपना सामान इसमें रखती जा रही थी। और बस ये भी जो है मिल चुकी है हमारी मोबाइल की पिन, जो कभी भी नहीं मिलती सब। तो सारी की सारी जो आपको दिखाया नहीं था स्टोरी बुक्स, और ये इस तरह से जो एक्टिविटी बुक्स होती है, कलरिंग बुक्स है, ये सारी की सारी बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं। और कुछ ली हैं और कुछ राधिका को गिफ्ट मिली हैं, और ये लॉकडाउन से पहले कुछ बुक्स ले ली थी, पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा, अच्छा हुआ था मैंने उस समय पे ले ली थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये गेम्स है, इसके अंदर वर्ड लेटर गेम्स होते हैं। ये शिला प्रभुपाद जी की लाइफ स्टोरी है, कलरिंग करते करते बच्चों को शिला प्रभुपाद जी की स्टोरी पता चल जाएगी। ये वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है, ये सारे के सारे बिल्कुल भी नहीं मतलब पढ़ पा रही थी क्योंकि पता ही नहीं चला था कहाँ पढ़े हुए हैं। तो बस ये राइटिंग बुक्स है, तो तीनों मैं अलग अलग कर दूंगी, स्टोरी बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, कलरिंग बुक्स एक तरफ, और ये राइटिंग बुक्स एक तरफ। तो बस इस तरह से मैंने जो है सारे के सारे ऐसे नीचे रख दिए हैं, क्योंकि सामने नज़र आएंगे तो शायद ये कर भी लेगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। तो बस इस तरह से आज का जो सेवा था वो होने वाला है, लेकिन अभी तो कंटिन्यू रहेगा। और बस ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा आपको हेल्प हो जाता है, आप पूछते रहते हैं इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर एक बुक बहुत बहुत ही मेरी फेवरेट है, ये वाली, ये बुक जो है दिल्ली मंदिर से ली थी, और बहुत ही अच्छी बुक है ये भी। इसमें हमारे जो जो सिक्स गोस्वामीज के बारे में है, तो बस यहाँ मैंने लगा दी है, और बाकी देखेंगे कि ये कितना करती है या नहीं करती है। बस ये जो टाइम टेकिंग वाली क्लीनिंग्स जितनी पहले हो जाए वो बेटर है, और बाद में फिर हमें समय मिल पाएगा कुछ और सोचने का। और देखते हैं इस बार मैं कार्तिक में कितना कर पाती हूँ, आपकी प्रार्थनाओं पर निर्भर हूँ। ये कुछ पेपर्स मुझे मिले थे तो मैंने यहाँ लगा दिए, क्योंकि कुछ लिखना होता है या कुछ शेड्यूल करना होता है तो बहुत बहुत काम की चीज़ है ये, कभी भी पेपर्स को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। और ये मेरे नोट्स हैं, ये सब मेरे रजिस्टर्स हैं, डायरीज़ है, और ये एक जो ये फोल्डर है ये गिफ्ट मिला हुआ है, देखो एक हाथ से खुल नहीं रहा, और इसमें मैं अपने नोट्स को रखूँगी। ये जो हमारे एक डिवोटी हैं गदाई प्राण प्रभु जी, उन्होंने दिया था, तो मुझे लगता है प्रभु जी को दिया था, लेकिन ये मैंने ही ले लिया है क्योंकि मुझे जो स्टेशनरी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अभी मैंने इसमें अपने नोट्स रख लिए हैं, इसको मैं अब सिक्योर करके रख दूँगी, जब भी मेरे नोट्स बनेंगे मैं इन्हीं में रखूँगी, उसको नीचे रख दूँगी। और अभी ये ड्रॉअर कितना ऊपर तक खचाखच भरा था और एकदम क्लीन हो गया, और बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी सामान है, इसको मैं कल दिखाऊंगी।